वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन रिलायंस पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी आप पे देखने वाले। तो रिलायंस पावर स्टॉक की बात की जाए तो रिलायंस पावर आज के दिन में 13.55 पे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आया है। तकरीबन अपर सर्किट लग चुका है 60 पैसे का, 4.63% का अपर सर्किट लगते हुए नजर आ चुका है। जैसे कि आप पिछले यहाँ पे लास्ट 5 डेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी न्यूज मीन्स लेटेस्ट न्यूज जो आई थी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टर अनिल अंबानी जी ने यहाँ पे रिजाइन किया था। तो उनके रिजाइन करने के बाद यहाँ पे मंडे के दिन यहाँ पे लोअर सर्किट लग चुका था। फिर उसके लोअर सर्किट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 2 दिनों में जैसे कि कल और आज फिर से अपर सर्किट लगने को चालू हो चुका है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा का। तो उसके वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छी मूवमेंट है और तेजी देखने को मिली है। ओपन हुआ था कल 13.25 पे, हाई भी देख सकते हो आज के दिन का 13.55 का है और लो है 13.20 का। तो ओपन होने के बाद यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट क्या हाई बनाया वही पे यहाँ पे देख सकते हो कि अपर सर्किट लग चुका है। मार्केट कैप देख सकते हो 4.61,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन एम पी है रिलायंस पावर का, पी रेशियो 135 का। तो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिरावट के बाद एक अच्छी मूवमेंट एक अच्छी रैली करता हुआ नजर आया है। 5% ऑफ है लास्ट 5 डेज में। 1 मंथ में देख सकते हो कि तकरीबन करीब यहाँ पे 1 मंथ में गिरावट हो चुकी थी, गिरावट के बाद फिर से रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ चुका है। तो रिलायंस पावर की बात भी देखी जाए तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे कल भी अपर सर्किट लगा था आज भी यहाँ पे अपर सर्किट लग चुका है। तो ये अपर सर्किट लगते लगते यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 15 लेवल तक जाने के चांसेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 15 लेवल पे रिजेक्शन भी लगने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट रिलायंस पावर स्टॉक के लिए।